बच्चों, गद्य गरिमा का पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप गद्य विधा की दृष्टि से एक निबंध है जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप जिन तीन तत्वों से मिलकर बना है वे तत्व हैं पृथ्वी, जन और संस्कृति। बच्चों, मैं आपको इस पाठ का सारांश बता देती हूँ। आप सभी को ये सारांश ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि जब आप सारांश अच्छी तरह सुन लेंगे तो ये पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्र का सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है पृथ्वी, जिसे हम भूमि भी कहते हैं, और लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है तथा इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है। इसलिए मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वो इस भूमि के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें, इसके रूप को विकृत न होने दें तथा इसे समृद्ध बनाने की दिशा में सजग रहें। लेखक कहता है कि भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे हमारी राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही बलवती होगी, क्योंकि हमारी समस्त विचारधाराओं की जननी ये पृथ्वी ही है। इसलिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। ये धरती हमारी माता है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है, इसी से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं उनसे हमारा आर्थिक विकास भी संभव होता है और आगे भी होता रहेगा। राष्ट्र का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है मनुष्य, यानी पृथ्वी पर रहने वाले जन, यानी कि मनुष्य। जो भूमि जन से रहित हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। जन के बिना राष्ट्र की कल्पना करना भी असंभव है। धरती पर रहने वाले मनुष्य भले ही अनेक जातियों, धर्मों, समुदायों से संबंध रखते हों, किंतु फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र हैं। मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। समस्त देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर तथा संकुचित दायरे से निकलकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि समानता के भाव द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। राष्ट्र का जो तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है वो है संस्कृति। संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक मानी गई है। ये संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है और संस्कृत के विकास एवं अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भूमि और जन को संस्कृत से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। यही हमारे बीच पारस्परिक प्रेम एवं भाईचारे का स्रोत है तथा इसी से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। लोकगीत तथा लोक कथाएं हमारी संस्कृति का व्यापक स्रोत हैं। इनके द्वारा हम अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक परिचय प्राप्त करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। अतः हमें इनका सर्वत्र स्वागत करना चाहिए, साथ ही इनका संरक्षण भी किया जाना चाहिए। लेखक का मानना है कि हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त परंपराओं, रीति रिवाजों को बोझ न समझकर उन्हें प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना चाहिए। उन्हें भविष्य की उन्नति का आधार बनाकर ही राष्ट्र का स्वाभाविक विकास संभव हो सकता है।